ग्रांट अपनी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में बोलते हैं कि ये वो बैंक स्टेटमेंट है जिसे मैं देख रहा था जब मुझे जॉब से निकाल दिया गया था और मेरे एक बैंक अकाउंट में 0.01 डॉलर्स थे यानी 70 पैसे और दूसरे बैंक अकाउंट में 2.26 डॉलर्स यानी 158 रुपए और इतने पैसे लेके मैं अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट हो गया था। ग्रांट ये भी कहते हैं कि बाकी देशों का तो मुझे पता नहीं लेकिन उनके देश में अगर 24 साल का कोई लड़का अपने माँ बाप के साथ रहने घर आ जाता है तो लोग उसे एक लूजर समझते हैं और वो एक्चुअल में खुद को एक लूजर भी मानते थे क्योंकि डिनर के टाइम में उनके पेरेंट्स उनसे हर रोज एक सवाल पूछते, जॉब मिली तुम्हें कि नहीं, और इस पर वो आंखें झुका के बोलते, नहीं अभी ढूंढ रहा हूँ। पिछले 2 महीने में वो 200 से ज्यादा कंपनीज में अपने रेज्यूमे भेज चुके थे लेकिन एक कंपनी ने भी उन्हें जॉब के लिए नहीं बुलाया था। एक बार वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि एक खाली ग्राउंड में जाके लेट गए और आसमान की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा, यार मैंने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ली थी, अच्छे ग्रेड्स भी लिए थे, ना चाहते हुए भी उन्होंने एक हाई सैलरी जॉब भी की थी क्योंकि उनके डैड ने उनसे कहा था, यार आदत हो जाती है, जॉब कर ले, अभी पसंद नहीं है, बाद में तुझे ये जॉब पसंद आ जाएगी। ग्रांट सोचने लगे थे कितना सब कुछ करने के बाद भी उनकी अभी ऐसी हालत क्यों है, बैंक में गिन के सिर्फ 170 रुपए और वो भी बिना जॉब के, जबकि उनके साथ के बहुत से फ्रेंड्स जिन्होंने अच्छी पढ़ाई भी नहीं की थी उनसे बेटर सिचुएशन में थे। उन्होंने उस वक्त अपने लिए एक गोल बनाया कि बहुत हो चुका, अब मेरे बैंक अकाउंट में कम से कम 7.5 करोड़ रुपए होने चाहिए और मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। वो ये तो जानते थे कि अगर उन्हें ये डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो उन्हें करना भी कुछ डिफरेंट ही पड़ेगा, लेकिन करना क्या है ये पता नहीं था। उन्होंने अगले 5 साल तक बहुत मेहनत करी, उन्हें जो भी पर्सनल फाइनेंस बुक मिली उन्होंने पढ़ डाली। इस दौरान उन्होंने जॉब्स भी की, 2 कंपनीज भी खोली और फाइनली 5 साल के बाद उनके पास 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा थे। 150 रुपए से 7.5 करोड़ तक वो कैसे पहुंचे और बाकी लोग फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, इस पर उन्होंने एक बुक भी लिख डाली जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड, जिसमें एक एक स्टेप दिया गया है जो उन्होंने किया और आज की ये वीडियो इसी बुक पर है। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। उन्होंने इस जर्नी में नोटिस किया कि कोई भी इंसान फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 7 स्टेजेस से गुजरता है और ये 7 स्टेजेस हैं। 1, क्लैरिटी, यानी वो स्टेज जहां पर हमें पता होना चाहिए कि अभी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और हमें जाना कहां है। जैसे ग्रांट को पता था कि उनके पास अभी 150 रुपए हैं और उन्हें 7.5 करोड़ रुपए चाहिए और ये अमाउंट कैसे निकाले इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 2nd स्टेज है सेल्फ सफिशिएंसी, जहां पर हम अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स या किसी और से फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत नहीं है। बेशक ये ऐसा स्टेज है जहां हम 15,000 महीने के कमा रहे हैं और 15,000 ही हर महीने खर्च कर रहे हैं। 3rd स्टेज आता है ब्रीदिंग रूम, यानी ऐसा स्टेज जहां पर हमने इतने पैसे सेव कर लिए हैं कि 1-2 महीने का अपना खर्चा हम उठा सकते हैं अगर अभी हमें कोई जॉब से निकाल भी दे तो। इसके बाद 4th स्टेज आता है स्टेबिलिटी, यानी हम अपना सारा उधार दे चुके हैं और साथ में हमारे पास 6 महीने के एक्सपेंसेस जितना पैसा भी है। 5th स्टेज आता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हमने अगले 2 साल के अपने खर्चे जितना पैसा जमा कर लिया है। 6th स्टेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी वो स्टेज जहां ऑथर 5 साल में पहुंच गए थे। ये वो स्टेज है जहां पर हमें हमारी इन्वेस्टमेंट से ही इतना पैसा मिलता रहेगा कि हमें नॉर्मल खर्चों के लिए भी काम ना करना पड़े। इस वक्त हम कोई भी काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी हॉबी है, ना कि हमारी मजबूरी। 7th स्टेज आता है अबंडेंट वेल्थ, यानी हमारे पास अब इतने पैसे आ चुके हैं जो कि हम जिंदगी भर भी से खर्च नहीं कर पाएंगे। अब बस अपनी लाइफ जीनी है, अपनी फैमिली को, अपनी हॉबीज को टाइम देना है। अब हमें से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये 7 स्टेजेस तो देख लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के, लेकिन हमें करना क्या पड़ेगा फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, और यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है। और इसके लिए हम आपको कुछ ऑसम थिंकिंग मॉडल्स देंगे जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट थिंकिंग मॉडल से, जो कि है थिंकिंग मॉडल नंबर 1, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक 90 साल का कोई बुजुर्ग आदमी आपको बोले कि बेटा ये लो 100 करोड़ रुपए और तुम मुझे अपनी जवानी दे दो, यानी आप 90 साल के हो जाओगे और वो बुजुर्ग आपकी एज का, तो क्या आप उनसे 100 करोड़ की ये डील कर लोगे? यू आर राइट, आपने ठीक बोला, नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि इस पैसे का हम इस एज में करेंगे क्या, और क्या पता अगले साल ही हम भगवान को प्यारे हो जाएं। और यही थिंकिंग मॉडल हर एक अमीर आदमी का होता है कि वो टाइम की टर्म्स में लाइफ के डिसीजंस लेता है, ना कि पैसे की टर्म्स में। आप बोलोगे कैसे, तो आइए कुछ सिचुएशंस एनालाइज करते हैं। क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह बोलते हैं कि अगर आपको आपकी पर आर की इनकम पता चल जाए कि वो 5,000 रुपए है, यानी आप हर घंटे 5,000 रुपए कमा रहे हो, तो क्या आप अभी भी 30 मिनट अपने इंटरनेट में वेस्ट करोगे ताकि आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए किसी फ्लाइट पर? In India, if you ask anybody what your income per hour, they have no clue. Example, if you find out that your salary per hour is 5,000 rupees,
Does it make sense to spend 30 minutes to look for a 200 rupees discount for a flight ticket? I hope अगर हमें हमारी आर्ली वैल्यू पता है तो हम अपने टाइम से रिलेटेड सारे अच्छे डिसीजंस लेंगे। हम एक मेड रखना भी प्रेफर करेंगे जिससे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, और साथ में मेड रखने से हम जॉब भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में लोग बहुत पॉवर्टी में रहते हैं जिन्हें ऊपर उठाना भी हमारा फर्ज है। तो इन शॉर्ट पॉइंट यह है कि किसी भी चीज को करने से पहले उसमें टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में देखो, ना कि सिर्फ पैसों की इन्वेस्टमेंट के बारे में। 200 रुपए की टिकट बचाने से बेटर है कि अपना टाइम सेव कर लो। हाँ हाँ, मैं समझ गया आपको क्या, मुझे भी यही सिखाया गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी एक एक रुपए से सिक्के बनते हैं और उससे नोट बनता है। एक्चुअली इसमें ब्रेन की साइकिल्स यानी ब्रेन प्रोसेसिंग बहुत यूज होती है, और क्योंकि अब ह्यूमन ब्रेन एक टाइम में एक ही थॉट सोच सकता है, तो जिस टाइम पे हम ये सोच रहे हैं कि हमें पैसे कैसे बचाने हैं, उस वक्त हम ये नहीं सोच पा रहे कि हमें पैसे कमाने कैसे हैं। फिर भी खुद को भारमुक्त करने के लिए मैं आपसे ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक एक रुपए बचा के खर्चते हो तो वो ही करो, क्योंकि हो सकता है टाइम बचाने के चक्कर में आप ये पैसे सेव करने की हैबिट भी छोड़ दो। लेकिन ये टाइम बचा के हमें एक्चुअल में फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज करनी थी, और वो भी अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करते तो फिर तो डिजास्टर ही हो जाएगा। इससे बेटर है कि एटलीस्ट एक क्वालिटी तो हम अपनी रखें। थिंकिंग मॉडल 2 नंबर कहता है कि व्हाट इज योर नंबर, यानी इन शॉर्ट हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसे चाहिए। ओके, तो अभी तक जो हमारे पास नंबर है वो है ट्रिनिटी स्टडी के अकॉर्डिंग, जो कहता है कि अपनी एनुअल एक्सपेंसेस का 25 गुना पैसा इकट्ठा कर लो और उसे इंडेक्स फंड या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट व्हीकल में ग्रो करने के लिए डाल दो, और थ्योरेटिकली अगर हम इसमें से 4% पैसा पूरी जिंदगी भी निकालते रहेंगे तो भी वो कभी खत्म नहीं होगा। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें हर साल 1,00,000 रुपए चाहिए कंफर्टेबली रहने के लिए, और हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन के साथ साथ वो पैसे उतने ग्रो भी होते रहे, यानी हमें साल के अप्रोक्सीमेटली 12,00,000 रुपए चाहिए, और 12,00,000 का 25 टाइम्स हुआ 3 करोड़ रुपए। अब 3 करोड़ रुपए को अगर हम दो पार्ट्स में तोड़ दें, 1.5 करोड़ रुपए और 1.5 करोड़ रुपए, तो एक 1.5 करोड़ का अमाउंट जाएगा एफडी में जिसे हम अगले 12 साल तक खर्च करते रहेंगे, और 12 साल के एंड में ये जीरो हो जाएगा, और बाकी के जो 1.5 करोड़ रुपए थे वो जाएंगे इंडेक्स फंड में, जो कि 12 साल तक ग्रो होके अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ रुपए बन जाने चाहिए अगर इंडेक्स फंड हमें 15% का रिटर्न देता है तो। अगेन अगर इस 8 करोड़ के हम दो पार्ट कर दें, 4 करोड़ और 4 करोड़, तो एक 4 करोड़ का पैकेट जाएगा बैंक एफडी में और दूसरा 4 करोड़ का पैकेट अगेन जाएगा इंडेक्स फंड में। अब ये 4 करोड़ रुपए जो बैंक में है ये हम खर्च कर सकते हैं अगले 12 साल तक, और इसमें इन्फ्लेशन भी एडजस्टेड है, यानी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 4 करोड़ डिवाइडेड बाई 120 महीने जो 12 साल में होते हैं इज इक्वल टू 3,33,000 रुपए हर महीने खर्च करने के लिए होंगे, और जो हमने 4 करोड़ रुपए इंडेक्स फंड में डाले थे वो 12 साल के एंड में बन जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 22 करोड़ के आसपास, अगर अगेन हमें इंडेक्स फंड 15% का रिटर्न देता है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। आई नो इस थ्योरी के बाद आपके मन में काफी सवाल आए होंगे। पहला सवाल, अगर इंडेक्स फंड में 15% का रिटर्न ही नहीं मिला तो ये प्लान फ्लॉप है, या फिर अगर 12 साल हो गए और उस वक्त मार्केट डाउन हुई और उसमें रिटर्न कम मिल रहा हो तो भी ये प्लान फ्लॉप है। एंड यू आर राइट, बट ये अप्रोक्सीमेट नंबर है, लेकिन काफी हद तक इसे सच किया जा सकता है। इन दोनों सवालों के लिए इंडेक्स फंड पर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, एंड आई होप उससे आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। इसका लिंक हम टॉप राइट कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस वीडियो के बाद उसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे मन में आया था, एंड आई होप आपके मन में भी आया होगा, कि ये 3 करोड़ रुपए कहां से आएंगे भाई, 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। एंड यू आर अगेन राइट, और आगे के 3 थिंकिंग मॉडल इसी अमाउंट को इकट्ठा करने के बारे में है। नेक्स्ट थिंकिंग मॉडल कहता है कि कंपाउंडिंग कैन मेक यू फाइनेंशियली फ्री अर्लियर। ये पॉइंट कहता है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए अमाउंट अगर इकट्ठा जल्दी करना चाहते हो तो पैसे सेव करो और उसे कंपाउंड करने के लिए इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि हर 1,000 रुपए का नोट जो हम आज सेव करेंगे वो 10-20 साल के बाद वो हमें हफ्तों पहले फाइनेंशियली फ्री कर देगा। आई नो अब हमें से बहुत से लोग बोलेंगे, यार पहले पॉइंट में तो हमने डिस्कस किया था कि टाइम को ज्यादा वैल्यू दो, कूपन कोड वगैरह ढूंढने के लिए टाइम मत वेस्ट करो, अब आप कुछ और ही बोल रहे हो। तो ऑथर के अकॉर्डिंग हमें हर चीज में पैसे सेव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 ऐसी चीजें हैं जहां एक एवरेज इंसान सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है, वहां पर पैसे बचाने से हमें बहुत फायदा मिलेगा, और ये 3 चीजें हैं, 1 घर, 2 गाड़ी, 3 खाना यानी फूड। अगर हम कुछ सालों के लिए सिंपल घर में रह लें या फिर रेंट पर रह लें, या फिर अगर उतना ही स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो थोड़ी रिमोट एरिया में जी लें, तो बहुत बड़ा अमाउंट हम सेव कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम एक एक्चुअल गाड़ी जो रिक्वायर्ड है उसे लें, ना कि शोबाजी के लिए अपनी पॉकेट से ज्यादा खर्च कर लें, तो भी बहुत अमाउंट सेव हो सकता है। 3rd है खाना। अगर हम बहुत ज्यादा होटल्स या कहीं बाहर खाने में पैसे खर्च करते हैं तो अगर हम उसे मिनिमाइज कर लें और घर में ही खाना खाएं और उस पैसे को इन्वेस्ट करें, तो भी हम बहुत जल्दी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा मैं जो ऐड करना चाहूंगा वो है इंडियन मैरिजेस। शादियों में भी हम बहुत बहुत पैसे खर्च करते हैं जो हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती। इस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे इमोशंस इससे जुड़े हैं, बट समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफी है। नेक्स्ट तरीका जिससे हम फाइनेंशियली फ्रीडम का अमाउंट जल्दी इकट्ठा कर सकते हैं वो है थिंकिंग मॉडल नंबर 4, मेक मनी विद साइड बिजनेस। ऑथर ने फाइनेंशियली फ्री होने के लिए रियल इस्टेट में भी पैसे इन्वेस्ट किए थे। रियल इस्टेट में दो तरीके हैं पैसे कमाने के। पहला है फ्लिप, यानी सस्ते में कोई प्रॉपर्टी लो, थोड़ी उसकी मरम्मत करवाओ और महंगे में उसे बेच दो। दूसरा है रेंटल इनकम, यानी लोन में घर लो और रेंटल इनकम से उसकी पेमेंट चुकाओ, और जब पूरी पेमेंट खत्म हो जाएगी तो घर भी हमारा और उसके बाद से आने वाली रेंटल इनकम भी हमारी। तो इन दोनों मॉडल्स के ऊपर दो अमेजिंग बुक भी लिखी जा चुकी है जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। पहली है रिक विलानी की बुक फ्लिप, हाउ टू फाइंड फिक्स एंड सेल हाउसेज फॉर प्रॉफिट, और सेकंड है गेरी केलर की बुक द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर। पैसे कमाने का सेकंड ऑप्शन आता है हसलिंग विद जॉब। मैट एक 25 साल का ग्राफिक डिजाइनर है जो कि अपनी जॉब से साल के 6 लाख रुपए कमा रहा है। वो जिस कंपनी में काम करता है उसे वो बहुत पसंद करता है और साथ में अपनी कलीग्स को भी पसंद करता है, और उसका कोई इरादा नहीं है जॉब छोड़ने का। लेकिन एक चीज जो मैट के साथ काम कर रहे दोस्तों को नहीं पता वो ये है कि मैट हर साल के जॉब के साथ 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, क्योंकि 3 साल पहले उसने एक डॉग वॉकिंग कंपनी खोली थी। हुआ ये था कि मैट के बाद लोगों के डॉग्स घुमाने के लिए उनसे 250 रुपए पर आवर चार्ज करता था, और ऐसे हफ्ते में उसे 10 बार कुत्ते घुमाने का काम मिल गया। लेकिन जब उसके बहुत से नेबर्स अपने डॉग घुमाने के लिए उसे कॉल करने लग गए तो उसे रियलाइज हुआ कि ये एक अच्छा बिजनेस बन सकता है, और इसलिए उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक एप्लीकेशन बनाई जहां पर जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं डॉग्स को घुमाने के लिए वो उस एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं। साथ में डॉग ओनर्स भी उस एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं जिसके लिए मैट उनसे चार्ज करता था। और इसी तरीके से इस सिंपल बिजनेस आइडिया से मैट अपनी जॉब से 4 गुना एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता है, और कुछ ही सालों में वो फाइनेंशियली फ्री भी हो जाएगा। ऑथर कहते हैं कि जॉब के बाद नेटफ्लिक्स में मूवीज देखने से अच्छा है कि हम कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर दें। हम काम कर सकते हैं जैसे कि डिजाइनिंग, फोटोशॉप, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, एडिटिंग, रिसर्चिंग, कोडिंग एक्सेट्रा। ऑथर ने दोनों रियल इस्टेट और बिजनेस खोले थे, तो अगर हम भी चाहते हैं तो हम ये हाइब्रिड अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंकिंग मॉडल कहता है कि लर्न टू सेल स्टफ। ऑथर कहते हैं कि जो सबसे बड़े स्किल मैंने सीखे हैं पिछले कई सालों में वो है कि हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं। ऑथर का मानना है कि प्रोडक्ट हम किसी से भी बनवा सकते हैं, उसके लिए लोग भी हायर कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग आपको खुद आनी चाहिए क्योंकि बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल यही है। अगर आप सेलिंग सीखना चाहते हैं तो डैन कैनेडी की बुक द अल्टीमेट सेल्स लेटर पढ़ सकते हैं, रॉबर्ट चालिंदनी की बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन या फिर प्रीसुएजन पढ़ सकते हैं, रसेल ब्रंसन की बुक .com सीक्रेट्स, एक्सपर्ट सीक्रेट्स, ट्रैफिक सीक्रेट्स पढ़ सकते हैं, या फिर क्लॉड सी हॉपकिंस की बुक माय लाइफ इन एडवर्टाइजिंग और साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बुक 4-5 हजार की पड़ेगी, या ये इंग्लिश में है, या फिर इनसे पढ़कर सीखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमने एक्चुअल केस स्टडीज को यूज करके एक बहुत ही डिटेल्ड कोर्स बनाया है जिसमें हमने खुद की केस स्टडी भी डिस्कस की है। इस कोर्स में कम से कम आपको 30-35 बुक्स का निचोड़ मिल जाएगा। तो अगर आप इनसे सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स का नाम है सेल लाइक क्रेजी, जो कि आप गीगल वीडियो ऐप में जाके खरीद सकते हैं। इस कोर्स वाली ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात की थी कि जब भी हम फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करेंगे तो हमें 7 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, जिसमें पहला था क्लैरिटी, यानी जहां पर हमें पता चल जाता है कि हमें टोटल कितना अमाउंट चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। सेकंड है सेल्फ सफिशिएंसी, जहां पर हम इतने पैसे कमा लेंगे कि हमें किसी से भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत नहीं है। थर्ड है ब्रीदिंग रूम, यानी हमारे पास अगले 1-2 महीने के पैसे सेव्ड हैं। फोर्थ है स्टेबिलिटी, जहां पर हमारे पास 6 महीने के पैसे सेव्ड हैं। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पर हमने अपना सारा उधार चुका दिया है और 2 साल के पैसे सेव्ड हैं। फिर है सिक्स्थ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जहां पर हमारे एसेट्स या हमारा सेव किया हुआ पैसा हमें इतने पैसे कमा के दे सकता है कि हमारे जिंदगी भर के खर्चे इन्हीं इन्वेस्टमेंट से आते रहें। सेवन्थ है अबंडेंट वेल्थ, यानी हम कुछ ज्यादा ही पैसे जोड़ चुके हैं जिसे हम जिंदगी भर भी खर्च नहीं कर पाएंगे, और बस अब अपनी फैमिली और अपनी हॉबीज को टाइम देना है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज को पार कैसे करेंगे, जिसके लिए हमने थिंकिंग मॉडल्स देखे थे, जिसमें सबसे पहला थिंकिंग मॉडल था कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, यानी हमेशा ये सोचो कि जो भी टाइम हम किसी चीज में देने जा रहे हैं वो हमारी आर्ली वैल्यू से ज्यादा है या नहीं। अगर नहीं तो उस टाइम को कहीं यूजफुल जगह इन्वेस्ट करो। सेकेंड थिंकिंग मॉडल में हमने देखा था कि अगर हम अपने एनुअल एक्सपेंसेस का 25 गुना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो वो एक अप्रोक्सीमेट नंबर है जो हमें फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। इसमें हमने इंडेक्स फंड्स की बात की थी, जिसकी डिटेल्ड वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट थिंकिंग मॉडल था कंपाउंडिंग, यानी हर 1,000 रुपए का नोट जो अभी हम इन्वेस्ट करते हैं
वो हमें एक हफ्ते पहले फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। तो इसलिए बड़े खर्चे हम बचा सकते हैं जहां पर हम पैसे वेस्ट करते हैं, वो है घर, गाड़ी, बाहर जाके महंगे खाना खाना और मैरिजेस। नेक्स्ट थिंकिंग मॉडल था साइड हसल, यानी या तो हम रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी फाइनेंशियल जर्नी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट थिंकिंग मॉडल था लर्न टू सेल स्टफ, कि बिजनेस में सबसे बड़ी स्किल यही है कि बिजनेस में चीजों को सेल कैसे करें। तो इस पर हमने ये भी बात करी थी कि एक डिटेल्ड वीडियो कोर्स है जो हमने बनाया है, अगर आप चाहते हैं तो उसे गीगल वीडियो आप में जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। ओके, तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। एनीवेज, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।